ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ए वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप जेईई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे डीएमआरसी जेई हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे राजस्थान जेई हो, आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके एसएससी कैटेगरी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। एसएससी कैटेगरी में जा करके वहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले के आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो जितने भी बैचेज चल रहे हैं, चाहे थियोरी का बैच हो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच हो, हर बैच की वीडियो को आप देख पाओगे। मान लीजिए आपने एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया, तो एक साल तक अगर तीन बैच स्टार्ट होता है तो आप हर उस तीन बैच की वीडियो को देख सकते हो। छह बैच स्टार्ट हुआ तो आप हर छह बैच की वीडियो को देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर बैच को ही देख पाओगे। एसएससी कैटेगरी में जितने भी बैच चलेंगे, चाहे वो टेक्निकल के हों, चाहे नॉन टेक्निकल के, चाहे थियोरी का बैच, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच, हर बैच की वीडियो को आप देख सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको सब्सक्रिप्शन लेने के दौरान RK11 कोड का यूज करना है। इस कोड को यूज करने से क्या होगा, एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का, दूसरा मेरी मेंटरशिप में या मेरी पर्सनल गाइडेंस में अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के मेरी गाइडेंस में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यूज करिए कोड RK11 का और 10% डिस्काउंट भी के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। उसके अलावा अभी राजस्थान जे की वैकेंसी आई है, अगर आप उसकी तैयारी के लिए इच्छुक हो या और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं UPSL जेई का या SSC जेई का, तो उन सब के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं कि क्या क्या एडवांटेज आपको मिलेगा, तो आपको थियोरी के बैच के साथ, आपको थियोरी के बैच के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच भी मिलेगा, आपको नॉन टेक्निकल भी मिलेगा। तो थियरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, नॉन टेक्निकल और हर तीन दिन के बाद डाउट क्लासेज वगैरह होती हैं, क्रैश कोर्स वगैरह भी चलता है। तो ये सारे फीचर्स एंड मॉक टेस्ट वगैरह भी कुछ मिलेगा आपको, कुछ क्विज वगैरह भी होती रहती हैं। तो ये सारी एडवांटेज हैं। एक सब्जेक्ट कई बार अलग अलग एजुकेटर पढ़ाने के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो आपके पास वैरायटी भी होती है। अब मैं अगर फीस की बात करूँ, तो जो फीस है अनअकैडमी की, वन ईयर की जो फीस है वो है 1300, वन मंथ की 1300 और वन ईयर की 6500। तो बेहतर यह है कि आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए या दो साल का, उसकी कॉस्ट थोड़ी सी इकोनॉमिकल होती है लंबे समय के लिए। तो वन ईयर या टू ईयर का सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो कितनी फीस है। फीस जो भी दिखाई दे रही है, इसमें डिस्काउंट मिलेगा आपको 10% का जब आप RK11 मेरा कोड यूज करोगे, ठीक है। तो आप इसमें डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके उसमें आपको सर्च करना है राजकुमार सिंह 730। राजकुमार सिंह 730 सर्च करोगे आप, तो मेरी प्रोफाइल खुल के आएगी। मेरी प्रोफाइल पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको बैच से, तैयारी से, बुक्स वगैरह से रिलेटेड कुछ भी पूछना है। तो साथ ही साथ आप मेरी स्पेशल क्लासेज भी देख सकते हैं, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ए वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरे साथ अजय कुमार, नमन सिंह, रितु यादव और तिलक सिंह चौधरी हैं। ए वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, तिलक, रितु, नमन और अजय? कैसे हैं आप लोग? सुबह 10 बजे ही आज क्लास है, ऐसा तो नहीं कि चिंटू रात के 10 बजे का इंतजार कर रहा है कि 10 बजे होगी। आज संडे का दिन है, संडे के दिन टाइमिंग सब कुछ बदल सकती है, ठीक है। गुड मॉर्निंग अजय बाबू, गुड मॉर्निंग। आज हम इंडक्शन मोटर के जो की पॉइंट्स हैं उनको रिकॉल कराएंगे आपको, ताकि आपको याद रहे सारी चीजें। तो आप तैयार हो, इंडक्शन वगैरह मोटर पढ़ के आए हो आप या नहीं? मेघा श्रीवास्तव, हिमांशु नेगी, प्रवीण, अजय कुमार, शिवम सिंह, नमन सिंह बोल रहे हम मस्त हैं, आप कैसे हैं? आप मस्त हो तो समझ लो मैं भी मस्त ही हूं। शिवम सिंह, रितु यादव बोल रहे हैं अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं रितु।
तो शुरू की जाए आज की कहानी, इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर। इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर। बच्चे, बाकी के बच्चे कहाँ हैं? 10 बजे कोई और क्लास चल रही है क्या साथ में? बाकी बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है बाकी बच्चे? बोलो, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, एक एक करके देखो, बहुत ज्यादा समझाने के दृष्टिकोण से मैं चीजों को आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, जहां भी दिक्कत आएगी थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता चलूंगा, मुझे पॉइंट्स कवर कराने हैं मेनली, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किस स्पीड पे घूमती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर किस स्पीड से घूमती है? तो किस स्पीड से घूमती है 3 फेज इंडक्शन मोटर? इंडक्शन मोटर जो होती है 3 फेज, कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूम सकती। एन आर कैन नॉट बी इक्वल टू एन एस। क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे घूम सकती है? नहीं, 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूम सकती। तो किस स्पीड पे घूमती है? सिंक्रोनस से ज्यादा पे या सिंक्रोनस से कम पे? 3 फेज इंडक्शन मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे घूमती है। एन आर इज ऑलवेज लेस देन एन एस, ठीक है। हमेशा एन आर एन एस से क्या होता है? कम। किस सिद्धांत पे कार्य करती है 3 फेज इंडक्शन मोटर? नाम से ही पता चल रहा है, फैराडेज लॉ ऑफ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे काम करती है ये? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। अगला सवाल आता है कि इसको हम एसिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं। क्यों? एसिंक्रोनस मोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती है। एसिंक्रोनस मोटर इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती है। अगर इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती तो इसको बोलते सिंक्रोनस मोटर, लेकिन नहीं है, इसलिए एसिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, ठीक है। यहां पे अगर मैं मोटर के घूमने की दिशा को बदलना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं मोटर के घूमने की दिशा को बदलना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? कमेंट करके बताओ आप लोग। मुझे अगर रोटर के घूमने की दिशा को बदलना है तो मुझे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बदलना पड़ेगा। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की दिशा कब बदलेगी? जब आप सप्लाई के किन्हीं दो टर्मिनल को इंटरचेंज कर दोगे। तो अगर हम सप्लाई के किन्हीं दो टर्मिनल को इंटरचेंज कर दें या एक्सचेंज कर दें या रिवर्स कर दें तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की दिशा बदल जाएगी। और अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की दिशा बदल जाएगी तो मोटर के भी घूमने की दिशा बदल जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाई एक्सचेंजिंग द पोजिशन ऑफ, बाई इंटरचेंजिंग द पोजिशन ऑफ सप्लाई, या सप्लाई के किन्हीं दो लीड्स को इंटरचेंज कर दो या सप्लाई के फेज सिक्वेंस को रिवर्स कर दो, ऐसा करके आप मोटर के घूमने की दिशा को बदल सकते हो, या ऐसा करके ही आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की दिशा को बदल सकते हो। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, उसकी स्पीड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खुशी, खुशी शिवम अजय सचिन एवरीवन। अरे यूडब्ल्यू की मैराथन शाम को 10 बजे है, रात में 10 बजे? अरे सुबह 10 और रात के 10 में अंतर है भाई। क्या क्या करेंगे? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से घूमती है उस स्पीड का कुछ नाम है? हाँ जी, सिंक्रोनस स्पीड। जिस स्पीड से घूमती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, और उसका फार्मूला है 120 f/p। 120 f, f क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। p क्या है? नंबर ऑफ पोल, ठीक है। और रोटर जिस स्पीड से घूमती है उसका भी एक फार्मूला है, nr बराबर ns 1 - s। रोटर की स्पीड बराबर सिंक्रोनस स्पीड 1 - s। उसके बाद एक फार्मूला स्लिप का भी है। स्लिप का फार्मूला क्या है? ns - nr
अपान एन एस, ये स्लिप का फार्मूला है, ये स्लिप का है, ये एन आर का है, ये एन एस का है। स्लिप का फार्मूला क्या है? एन एस माइनस एन आर अपान एन एस, ये स्लिप का है। और एक होती है स्लिप स्पीड, ये तो स्लिप का हो गया। एक होती है स्लिप स्पीड, उसका होगा एन एस माइनस एन आर। तो याद रखना स्लिप स्पीड का ये और स्लिप का ऊपर। बात आ रही समझ में? स्टार्टिंग में जब मोटर रुकी होती है तब एनआर क्या होता है? जीरो। उस वक्त स्लिप क्या होती है? वन। एनआर को जीरो रखो, स्लिप क्या आएगी? वन। और जब एनआर को एनएस रखोगे, अगर हमारा एनआर मान लीजिए एनएस के बराबर हो गया, हमारा एनआर किसके बराबर हो गया? एनएस के, तो स्लिप कितनी हो जाएगी? अगर एनआर एनएस के बराबर हो गया स्लिप कितनी हो जाएगी? जीरो। तो आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे स्पीड जीरो से एनएस की तरफ बढ़ेगी, स्लिप एक से जीरो की तरफ घटेगी। यानी जैसे जैसे एनआर बढ़ेगा, जैसे जैसे एनआर बढ़ेगा स्लिप घटेगी। एज एन आर इंक्रीजेज स्लिप डिक्रीजेस। स्टार्टिंग में स्लिप क्या होती है? मैक्सिमम। और जब एनआर एनएस के बराबर होता है तो स्लिप क्या होती है? जीरो। स्टार्टिंग में स्लिप होती है मैक्सिमम, और जब एनआर एनएस के बराबर हो जाता है तो स्लिप होती है जीरो। यहां से एनआर की वैल्यू जीरो रख दो, एनआर की वैल्यू एनएस रख दो, एनआर को एनएस रखो, एनएस माइनस एनएस जीरो हो जाएगा। रोटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? रोटर फ्रीक्वेंसी का एफ आर। रोटर फ्रीक्वेंसी का मतलब है, रोटर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो करंट रोटर में इंड्यूस हुई है उस करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जो करंट रोटर में इंड्यूस हुई है वो भी एसी करंट होती है, जो करंट रोटर में इंड्यूस हुई है वो भी क्या होती है? एसी करंट। उस एसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो फार्मूला है आपका एफ आर बराबर एस इंटू एफ। तो रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर एस इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जहां एफ क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एस है आपकी स्लिप और यह आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी। यहां से आप देख सकते हो कि अगर स्लिप वन हो तो एफ आर एफ के बराबर होगा, स्लिप अगर वन हो तो एफ आर एफ के बराबर होगा। स्लिप वन कब होगी? जब एन आर बराबर जीरो। यानी स्टार्टिंग में जब एन आर बराबर जीरो होता है तो स्लिप वन होती है, और स्लिप वन होती है तो रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। मिस रोटर फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो सकती है, रोटर फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो सकती है, और मैक्सिमम हो सकती है कितनी? वन। या रोटर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो सकती है कब? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, और अब बाद में जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी एनआर तो स्लिप घटेगी, और स्लिप घटेगी तो रोटर फ्रीक्वेंसी घटेगी। मीन्स स्टार्टिंग में रोटर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे स्लिप घटेगा, और स्लिप घटेगी तो फिर आपकी एफ आर घटेगी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल यह आता है कि अगर आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर घूम रही है
और घूमते हुए ही मैं रोटर की वाइंडिंग को ओपन कर दूं। नॉर्मली रोटर की वाइंडिंग क्लोज्ड होती है, तभी तो रोटर की वाइंडिंग क्लोज्ड होती है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आने के बाद करंट आती है, और करंट आती है तो उसी करंट की वजह से एक टॉर्क आता है जो रोटर को घुमाता है। मैंने कहा कि मेरी मोटर घूम रही है, और घूमते घूमते मैंने मोटर की मैं घूमते घूमते मैंने रोटर की वाइंडिंग को ओपन कर दिया। थ्री फेज इंडक्शन मोटर मेरी घूम रही है, घूमते घूमते मैंने रोटर की वाइंडिंग को ओपन कर दिया। बोलो क्या होगा मोटर के साथ, क्या सलूक होगा मोटर के साथ? मोटर चलेगी, रुक जाएगी, या क्या करेगी? मैंने क्या किया, घूमते घूमते मोटर की रोटर वाइंडिंग को ओपन कर दिया, फिर क्या होगा? मोटर विल स्टॉप, मोटर विल स्टॉप। कैसे सर? अरे अगर रोटर की वाइंडिंग को आपने ओपन कर दिया तो क्या होगा, क्या रोटर में कोई करंट आ पाएगी? कहानी क्या है, स्टेटर को आप थ्री फेज एसी सप्लाई देते हो, तो स्टेटर में घूमने वाली मैग्नेटिक फील्ड आती है जिसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है। अब यही स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड जिसको कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, रोटर से पास होती है, तो रोटर से पास होने वाला फ्लक्स बदलता है, और जब रोटर से पास होने वाला फ्लक्स बदलता है तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग रोटर में एक ईएमएफ आ जाता है, विद्युत वाहक बल, और इस ईएमएफ की वजह से ही रोटर में एक करंट आती है। अगर रोटर की सर्किट क्लोज होगी तभी करंट आएगी, रोटर की वाइंडिंग ओपन होगी तो करंट आएगी क्या? नहीं। तो अगर रोटर का सर्किट क्लोज होता है तो इसमें करंट आती है, और जो इंड्यूस्ड करंट होती है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, वो जिस कारण से आती है उसका विरोध करती है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट रोटर के ऊपर एक टॉर्क लगाएगी, और टॉर्क लगा के रोटर को घुमाएगी सिंक्रोनस स्पीड से, थोड़ी सी कम स्पीड से, और उसी दिशा में इधर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। सो रोटर रोटेट्स विद ए स्पीड स्लाइटली लेस देन सिंक्रोनस स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये सब कहानी हो रही है क्योंकि रोटर के ऊपर टॉर्क लग रहा है, क्योंकि रोटर में करंट आ रही है, अगर मैंने रोटर की वाइंडिंग को ओपन कर दिया तो रोटर में करंट क्या हो जाएगी? जीरो। अब रोटर की करंट जीरो तो रोटर पे टॉर्क कहां से लगेगा? टॉर्क भी नहीं लगेगा, तो धीरे धीरे रोटर क्या होगी, स्पीड घटती जाएगी, एंड फाइनली इट विल स्टॉप। तो मोटर क्या होगी, रुक जाएगी। ये कौन है कमेंट कर रहा है, माँ की लाडली, अच्छा माँ की लाडली का कमेंट आ रहा है, रुकेगा और कोई चारा ही नहीं है, चारा तो लालू जी ले गए तो चारा बचेगा कहाँ से? रमेश का ना नॉन टेक पढ़ाइए आप टेक्निकल एग्जाम के लिए, रमेश मजाक बंद करो। तो पता है अगर आपने रोटर की वाइंडिंग को ओपन कर दिया तो क्या होगा, मोटर आपकी या रोटर आपकी रुक जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, अगर मैं पूछूं स्टेटर में तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है उसकी स्पीड एनएस है, क्या रोटर में भी कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है? क्या रोटर में भी कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है? आती है तो उसकी स्पीड बताओ। स्टेटर में एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र आता है जो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, क्या रोटर में भी कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है? आती है तो किस स्पीड से घूमती है? ठीक है पुष्पेंद्र, उस पर चर्चा करते हैं क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, क्या होगा, रोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है वो भी एनएस की स्पीड से घूमती है, मींस स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एनएस से, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड भी एनएस से। तो अगर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक ही स्पीड से घूम रही है और एक ही दिशा में घूम रही है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए होंगे। बोथ विल बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मीन्स स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हिमांशु बोले लालो जी सब देख रहे रहलवानी, लालो जी जेल में है, देख के कर भी क्या लेंगे, उनका वक्त बीत चुका है, आज आपका वक्त है, देखो इधर आज तेजस्वी यादव का वक्त है।
बात आई समझ में? अगला पॉइंट है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को एक नाम और दिया गया है। क्या नाम दिया गया बोलो? थ्री फेज इंडक्शन मोटर को अगर किसी और नाम से पुकारना है तो आप क्या बोलोगे? जैसे आप उसको कई और नाम से पुकारते हो ना, स्वीटी, बाबू, ऐसे करके बुलाते हो आप, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर को और किसी नाम से आप बुला सकते हो प्यार से? बोलो, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को किसी और नाम से आप बुला सकते हो तो कौन सा नाम दोगे आप? मैंने कहा नहीं यूज करना थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्या इसका और कोई दूसरा नाम है? तो इसका दूसरा नाम है रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर। रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर, ऐसा क्यों? सिमिलरिटी होती है इसकी ट्रांसफॉर्मर के साथ, काफी समानता होती है इसकी, इसलिए इसको बोलते हैं रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर। हाँ, या एसिंक्रोनस मोटर, ये तो है, एसिंक्रोनस मोटर बोल सकते हैं या रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आता है कि नो लोड करंट इंडक्शन मोटर में कितनी होती है, और कम होती है तो कम क्यों होती है, ज्यादा होती है तो ज्यादा क्यों होती है? तो जवाब आपका आएगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो नो लोड करंट होती है वो फुल लोड करंट के कंपैरिजन में 30-40% होती है, 30-40% ऑफ फुल लोड करंट। इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट जो होती है फुल लोड करंट का 30-40% होती है, जबकि ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट फुल लोड करंट के कंपैरिजन में केवल 2-5% होती है। तो ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट तो 2-5% ही है केवल फुल लोड की, जबकि इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट 30-40% है फुल लोड की। मींस इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर। इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर। अब सवाल आता है कि इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट ज्यादा होती है 30-40% एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज द रीजन? तो रीजन इसका यह है कि इंडक्शन मोटर में एयर गैप ज्यादा होता है, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप ज्यादा होता है, तो इस एयर गैप की वजह से रिलक्टेंस बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर में रिलक्टेंस कम होता है जो फ्लक्स होता है उसके रास्ते में, मगर इंडक्शन मोटर में फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस ज्यादा होता है, और फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस ज्यादा होता है इंडक्शन मोटर में, इसी वजह से इसकी नो लोड करंट भी बढ़ जाती है। वी नीड मोर नो लोड करंट फॉर द सेम वैल्यू ऑफ फ्लक्स एज कंपेयर टू ट्रांसफार्मर, ठीक है। एयर गैप की वजह से, एयर गैप बाकी जब डिटेल में इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसको एक एक चीज समझाएंगे, अभी के लिए मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको, ठीक है। अगला पॉइंट है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अगर स्पीड बढ़ती है तो बोलो स्लिप पे क्या फर्क पड़ता है? स्लिप पे क्या फर्क पड़ता है? एनआर बढ़ेगा तो स्लिप क्या होगा? एनआर बढ़ेगा तो स्लिप घटेगी, एनआर बढ़ेगा तो स्लिप क्या होती है? घटती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एनआर बढ़ेगा तो रोटर इंड्यूस्ड टीएमएफ क्या होगा? रोटर इंड्यूस्ड टीएमएफ ये भी घटेगा। रोटर रिएक्टेंस क्या होता है? ये भी घटता है। देखो, रोटर इंड्यूस्ड टीएमएफ का फार्मूला ये है, रोटर का इंड्यूस्ड टीएमएफ जो होता है E2 ये बराबर होता है S × E2, जहां E2 ईएमएफ है एट स्टैंड स्टिल और E2 किसी स्पीड पे या किसी स्लिप एस पे। तो जैसे जैसे एनआर बढ़ता है स्लिप घटती है तो इंड्यूस्ड टीएमएफ घटता है। ऐसे रिएक्टेंस अगर रोटर का हम देखें तो X2' बराबर होता है S × X2। तो जैसे जैसे NR बढ़ता है तो क्या होता है? NR बढ़ता है तो स्लिप घटती है तो रोटर का रिएक्टेंस घटता है, तो रोटर का रिएक्टेंस भी घटता है, रोटर का इंड्यूस्ड टीएमएफ भी घटता है, ठीक है। इफिशियंसी पे क्या फर्क पड़ता है? इफिशियंसी, अगर रोटर का इसकी स्पीड बढ़ती है तो इफिशियंसी पे क्या फर्क पड़ता है?
इफिशियंसी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। कैसे? इफिशियंसी का फार्मूला है अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी को 1 माइनस एस। जैसे जैसे एन आर बढ़ेगा स्लिप घटेगी, और जब स्लिप घटेगी, जब स्लिप घटेगी तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी यानी इफिशियंसी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे एन आर बढ़ता है इफिशियंसी भी बढ़ती है। रोटर कॉपर लॉस पे क्या फर्क पड़ता है? रोटर कॉपर लॉस रोटर कॉपर लॉस पे क्या फर्क पड़ता है? रोटर कॉपर लॉस हर केस उस पे लास्ट में भी, क्लास जब खत्म होने वाली होगी तो लास्ट के आधे घंटे में उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? अलग अलग जो पहलू हैं आप लोगों के, अभी टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो जैसे जैसे एनआर बढ़ेगा स्लिप क्या होगी? घटेगी, और जब स्लिप घटेगी तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो इफिशियंसी बढ़ेगी। रोटर कॉपर लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा? रोटर कॉपर लॉस घटेगा। रोटर कॉपर लॉस का फार्मूला क्या है? एस इंटू पीजी। तो जब एन आर बढ़ेगा तो स्लिप क्या होगी? एन आर बढ़ेगा तो स्लिप घटेगी, और जब स्लिप घटेगी एस, तो एस इंटू पीजी भी घटेगा, तो रोटर कॉपर लॉस घटेगा। तो जैसे जैसे एन आर बढ़ता है उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है आपने देखा? जैसे जैसे एन आर बढ़ता है वैसे वैसे क्या क्या परिवर्तन आता है आपने देखा? बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई संदेह यहां तक? ये सब पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे तो याद कर लो, रिकॉल कर लो। बिल्कुल पीजी है रोटर इनपुट पावर, पीजी है एयर गैप पावर। ओके कृष्णा, ओके। पीजी है रोटर इनपुट पावर, एस इंटू पीजी। चलो ये जो लॉसेज वगैरह है, अगर आपने ये इंडक्शन मोटर की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो नहीं समझ में आएगी इसको, जब तक अच्छे से नहीं समझाएंगे कि एक चीज। तो अभी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, रिकॉल कराया जा रहा है। एस इंटू पीजी में रोटर इनपुट पावर है, पीजी एयर गैप पावर। बाकी जब अच्छे से इंडक्शन मोटर के एक चीज तोड़ के पढ़ाएंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है? रोटर कॉपर लॉस एस इंटू पीजी, जहां पीजी क्या है? एयर रोटर इनपुट पावर, एयर गैप पावर। आउटपुट पावर का फार्मूला क्या है इंडक्शन मोटर में? पी नॉट का फार्मूला है 1 माइनस एस इंटू पीजी। क्या फार्मूला है? पी नॉट का 1 माइनस एस इंटू पीजी, जहां पी नॉट है आउटपुट पावर, पीजी है रोटर इनपुट पावर। ये तो ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट पावर है या आउटपुट पावर। अगर मैं सॉफ्ट पावर की बात करूं, सॉफ्ट पावर या नेट मैकेनिकल आउटपुट पावर, तो ये हो जाएगी आउटपुट पावर जो है, इसमें से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को घटा दो, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को घटा दो, आपको मिल जाएगी सॉफ्ट पावर। पी एस एच हो जाएगा पी नॉट माइनस दिस, ठीक है? अगला सवाल, रोटर कॉपर लॉस का फार्मूला तो लिख ही दिया था। रोटर कॉपर लॉस का जो फार्मूला होता है वो होता है एस इंटू पीजी, जहां एस स्लिप है, और पीजी क्या है आपका? पीजी है रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर, और एयर गैप पावर। पीजी
पीजी क्या है, रोटर इनपुट पावर या एयर गैप पावर। तो लिखा तो है रोटर कॉपर लॉस बराबर एस इन टू पी जी, स्लिप बढ़ेगी तो लॉसेज बढ़ेगा, स्लिप घटेगी तो लॉसेज घटेगा। उसके बाद अगला सवाल आता है कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो कितने टाइप की होती है। तो हमारे पास एक होती है थ्री फेज स्क्वायरल केज, थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और दूसरी होती है हमारे पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दो टाइप की इंडक्शन मोटर होती हैं। इन दोनों के स्टेटर में कोई अंतर नहीं होता, स्टेटर का जो अरेंजमेंट होता है या जो स्टेटर का डायग्राम होता है उन दोनों में सेम होता है। अंतर केवल और केवल रोटर के डायग्राम में है, इसके और इसके रोटर के डायग्राम में अंतर है। क्या क्या अंतर है, एक एक अंतर आप लोग बताओ कमेंट करके, जितने लोग देख रहे हैं एक एक कमेंट अंतर बताएंगे। पहला अंतर, थ्री फेज स्क्वायरल केज, थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक एक अंतर बताओ। एक एक अंतर सभी लोग बताएंगे। चलिए पहला अंतर, पहला अंतर यह है कि थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यहां पे हम रोटर के अंदर रोटर की बार लेते हैं, ऐसे छड़ होती है ठीक है, और तिरछी छड़ का इस्तेमाल करते हैं ठीक है। यहां पे रोटर के अंदर बार होती है, बाकी वहां पे वाइंडिंग वगैरह होती है। मेन अंतर जो ये है इसमें स्लिप रिंग कितनी होती हैं, जो याद रखने लायक है बताओ। इसमें स्लिप रिंग होती है कितनी, कितनी स्लिप रिंग होती है चिंटू? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है तो स्लिप रिंग कितनी होंगी, कितनी स्लिप रिंग, कितनी स्लिप रिंग, स्लिप रिंग कितनी होंगी, जीरो होंगी। और यहां पे कितनी स्लिप रिंग होंगी, तीन होंगी। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तीन स्लिप रिंग, यहां पे जीरो। दूसरा, इसमें हम रोटर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। रोटर के रेजिस्टेंस को अगर आप चेंज करना चाहोगे तो चेंज नहीं कर सकते, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते रोटर में। बट यहाँ पे रोटर के रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, रोटर के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। और अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। आपको पता है अगर रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। यहां पे रोटर का रेजिस्टेंस, रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस हम नहीं बढ़ा सकते, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क यहां पे मीडियम रेंज में होता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। मगर यहां पे स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो स्लिप रिंग में स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, स्क्वायरल केज में स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं होता है। तो ऐसा कोई भी इस्तेमाल जहां पे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अगर सवाल यह है कि ट्रेन में, लिफ्ट में, क्रेन में मैं यूज करना चाहूं इंडक्शन मोटर, वैसे तो डीसी सीरीज मोटर एग्जाम में आप टिक करोगे, मगर धीरे धीरे हम डीसी सीरीज मोटर को प्रैक्टिकली रिप्लेस करते जा रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर से। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया इंडक्शन मोटर के रूप में कि कौन से इंडक्शन मोटर यूज कर सकते हैं ट्रेन में, लिफ्ट में, क्रेन वगैरह में, तो जहां ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहां पे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई। हम रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा के स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं, यहां पे स्टार्टिंग टॉर्क मीडियम रेंज में होता, ज्यादा हाई नहीं होता है। दूसरा, ये कॉस्टली होता है, इसका मेंटेनेंस ज्यादा होता है, सब कुछ ज्यादा होता है इसमें। ये जो होता है ये चीप होता है, सस्ता होता है, मेंटेनेंस इसका इजी होता है, कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल होता है, इसका कंस्ट्रक्शन भी डिफिकल्ट होता है, कंस्ट्रक्शन भी डिफिकल्ट होता है, इसका कंस्ट्रक्शन भी कैसा होता है, सिंपल होता है। तो थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में बहुत सारी खूबियां हैं, खामी बस यही है कि स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा सा कम होता है। इसमें ना तो कोई स्लिप रिंग चाहिए होती है, ना तो कोई ब्रश चाहिए होती है। वी डोंट नीड एनी स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। किसमें? थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल, ये चीप होती है, मेंटेनेंस कम होता है, सारी चीजें होती हैं। इसका मेंटेनेंस ज्यादा होता है, कॉस्ट ज्यादा होती है, ये है। 90% से ज्यादा केसेज में हम प्रैक्टिकल लाइफ में यही यूज करते हैं, 90% से ज्यादा केसेज में यही यूज करेंगे। कुछ ऐसे केस जहां पे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क ये होगा, हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करेंगे। यहां तक आई बात समझ में या नहीं? यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताइए, बोलो।
यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं। सबका क्लियर है सब कुछ? सबका सब कुछ क्लियर है या कहीं डाउट है? अगर आप में से कोई ऐसा है जो इंडक्शन मोटर जानता ही नहीं है, पहली बार पढ़ रहा है, तो उसको नहीं आ रहा होगा समझ में। ये जो राम कथा मैं सुना रहा हूँ उनके लिए, जिन्होंने इंडक्शन मोटर पढ़ रखा है कहीं पहले, उनको रिकॉल करा रहा हूँ मैं, याद दिला रहा हूँ क्या क्या चीज़ें थी, तो उनको समझ में आ रहा होगा। जिसको समझना है इंडक्शन मोटर, और जब आप थियरी एक एक चीज करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बात आ रही समझ में? ये तो राम कथा चल रही है बस, ठीक है? बोलो जय माता दी। राम कथा पूरी हुई? नहीं सर, अभी पूरी नहीं हुई है, अभी आधी पूरी हुई है। आधी का 40%। अगला सवाल आता है कि जो 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 मिटा दूं पहले, जगह तो कम बनाऊं, जगह बनानी बहुत जरूरी है। जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो रोटर होती है थोड़ी सी तिरछी होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की जो रोटर होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है, तो तिरछा क्यों बनाते हैं? डिजाइन अच्छा लगे ताकि ज्यादा बिक्री हो, या फिर चूहा मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चूहा अंदर न घुस जाए? क्यों? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की जो रोटर होती है चेन टू, वो थोड़ी थोड़ी तिरछी होती है। ऐसे मान लो है तो थोड़ी सी तिरछी होती है, ठीक है? अच्छे से बन नहीं रहा मगर कुछ देख लो समझने के लिए। पिंजरे जैसी होती है, थोड़ी सी तिरछी। तिरछी क्यों होती है? इस तिरछे होने को बोलते हैं स्क्यूड, SKEWED, स्क्यूड बार। तिरछी रॉड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? स्क्यूड बार का हम इस्तेमाल करते हैं, तिरछी रॉड का, क्यों? या टू रिड्यूस मैग्नेटिक लॉकिंग बोल दो आप, टू रिड्यूस मैग्नेटिक लॉकिंग, टू रिड्यूस मैग्नेटिक लॉकिंग और कॉगिंग। कॉगिंग को ही मैग्नेटिक लॉकिंग बोलते हैं। इसको कम करने के लिए, कॉगिंग को या मैग्नेटिक लॉकिंग को, हम स्क्यूड बार या तिरछी छड़ का इस्तेमाल करते हैं। स्क्यूड बार, हाँ, हमिंग नॉइज भी कम हो जाती, करेक्ट। अगर आप बार को थोड़ा सा तिरछा करते हो, एक तो मैग्नेटिक लॉकिंग कम होती है, दूसरा आवाज भी कम हो जाती है, कुछ वाइब्रेशन या आवाज जो आती है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये मकसद है इसको स्क्यूड करने का, तिरछा करने का। डिजाइन के लिए तिरछा नहीं बनाते हैं। अब जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है डीप बार रोटर और एक होती है डबल केज रोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी दो प्रकार की होती है, एक होती है डीप बार रोटर और एक होती है डबल केज रोटर। आइए चर्चा करते हैं डीप बार रोटर और डबल केज रोटर की। देखो, हाँ जी, सिराज अख्तर को तो सब कुछ याद है।
एक होता है डीप बार रोटर। डीप बार रोटर में क्या होता है, रोटर थोड़ा सा डीप होता है। डीप का मतलब कुछ ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ये फ्लक्स होता है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे से ये टॉप है, ये बॉटम है, मान लीजिए टॉप से बॉटम की तरफ आप जाते हो, टॉप लेयर से बॉटम लेयर की तरफ, तो फ्लक्स बढ़ता है। देखो नीचे से फ्लक्स ज्यादा पास हो रहा है, सारा फ्लक्स, ये ऊपर वाला भी नीचे सो के जाएगा, ये वाला भी नीचे सो के जाएगा, तो हर कोई नीचे सो के जाता है, ऊपर फ्लक्स कम हो रहा है। ये नीचे वाला जो गोल वाला ऊपर तक नहीं गया, ये भी नीचे वाला ऊपर तक नहीं गया, तो ऊपर से कम फ्लक्स पास होगा, लेकिन नीचे सब जाएगा, हर ऊपर वाला भी नीचे होके जाता है, तो नीचे फ्लक्स ज्यादा होता है, ऊपर फ्लक्स कम होता है। मीन्स टॉप पे फ्लक्स कम होता है, बॉटम पे फ्लक्स ज्यादा होता है। फ्लक्स कम होता है तो इंडक्टेंस कम होता है, इधर फ्लक्स ज्यादा तो इंडक्टेंस ज्यादा, क्योंकि एल बराबर होता है एन फाई अपन आई। अब इंडक्टेंस अगर कम है तो रिएक्टेंस क्या होगा, कम, और यहाँ इंडक्टेंस ज्यादा तो रिएक्टेंस क्या होगा, ज्यादा। अब रिएक्टेंस अगर कम है तो करंट किधर भागेगी, करंट तो उधर ही भागेगी, इधर रिएक्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा भाग के इधर आ जाएगी, रिएक्टेंस कम तो करंट ज्यादा, यहाँ रिएक्टेंस ज्यादा तो करंट कम, यानी इस हिस्से में करंट कम होगी, करंट फोर्स्ड होगी इधर भागने के लिए, तो ज्यादातर करंट जो है इस जगह फॉलो करेगी। तो जो टॉप लेयर है वहां पे, टॉप साइड, वहां पे ज्यादा करंट होगी, यहां पे बॉटम साइड में कम करंट होगी, यहां पे फ्लक्स कम होगा, यहां पे फ्लक्स ज्यादा होगा। तो जैसे आप टॉप से बॉटम जाते हो, टॉप से बॉटम जाते हो तो क्या होता है, फ्लक्स बढ़ता है, इंडक्टेंस बढ़ता है, रिएक्टेंस बढ़ता है, मगर करंट घटती है। इसको मान लो टॉप लेयर, इसको मान लो बॉटम लेयर। इधर से इधर जाओगे तो करंट घटेगी, इधर से इधर जाओगे तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। हाँ, इसका मकसद होता है स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना, बिल्कुल सही कहा। और दूसरा, जो डबल केज रोटर होती है, डबल केज रोटर जो होती है उसमें दो केज होते हैं, डबल केज रोटर जो होती है उसमें दो केज होते हैं, एक आउटर केज और एक इनर केज। आउटर केज, और ये मान लीजिए है, ये आउटर केज और ये इनर केज, ये आउटर केज और ये क्या है, इनर केज। आउटर केज और इनर केज की अगर हम बात करें तो आउटर केज का एरिया क्या होता है, कम। आउटर केज का एरिया क्या होता है, कम। इनर केज का एरिया क्या होता है, ज्यादा। देखो इसका एरिया ज्यादा, इसका एरिया कम है। अगर इसका एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्स रिलेशन में है, इसका एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और इसका एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ये दो मेन पॉइंट याद रखो आप, कि आउटर केज और इनर केज में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका रेजिस्टेंस कम, ठीक है। तो अगर आप आउटर लेयर्स, आउटर केज से इनर केज की तरफ जाओगे, आउटर केज से इनर केज की तरफ, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, या इनर से आउटर की तरफ जाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, क्या बात है, मेहनत कर रहे हो आप लोग। ये दो टाइप्स है, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, जो जो चीजें याद रखने लायक हैं इसमें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पॉइंट है आपका, अगर हम रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाएं तो
तो स्टार्टिंग टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा और मैक्सिमम टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाएं तो स्टार्टिंग टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा और मैक्सिमम टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा। अगर मैं रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाऊं तो क्या होगा? स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ेगा, मैक्सिमम टॉर्क को पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाऊं तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा और मैक्सिमम टॉर्क आपका कॉन्स्टेंट होगा। देर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन द मैक्सिमम टॉर्क। रोटर रेजिस्टेंस के साथ कैसी भी छेड़छाड़ करो आप, रोटर रेजिस्टेंस के साथ कैसी भी छेड़छाड़ करो आप, मैक्सिमम टॉर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क पे, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा। इसीलिए जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसमें हम रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, ऐसा इंतजाम होता है। और अगर रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, इसलिए स्लिप रिंग में स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है। और ऐसा कोई भी इस्तेमाल, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहां पे हम क्या यूज करेंगे? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। मगर क्या होती है महंगी? कोई भी अच्छी चीज सस्ती होती है क्या? कोई भी अच्छी चीज सस्ती होती है क्या? नहीं सर, कुछ चीजें नेचर ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो उसको आप गंदा कर रहे हो, इतना गंदा कर रहे हो जितना कर सकते हो। हवा कर दो गंदी, पानी कर दो गंदा, बचेगा क्या? हवा और पानी नेचर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है आपको, मगर उसको चिंटू इतना गंदा कर देता है, इतना गंदा कर देता है कि मत पूछो। अगला सवाल आता है कि मैक्सिमम टॉर्क जो होता है ये डिपेंड किस पे करता है? तो मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर पे। तो यहां से न्यूमेरिकल आता है कि पहले वोल्टेज इतना था तो मैक्सिमम टॉर्क इतना था, वोल्टेज इतना हो गया तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा। तो मैं एक सवाल पूछ लूं इस पर बेस्ड, अगर सप्लाई वोल्टेज को 30% डिक्रीज कर दिया जाए तो बोलो मैक्सिमम टॉर्क कितने परसेंट बढ़ेगा या घटेगा? बता दो आंसर मुझे। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मैंने सप्लाई वोल्टेज को 30% घटाया तो बोलो मैक्सिमम टॉर्क कितने परसेंट बढ़ेगा या घटेगा? मैंने क्या किया, मैंने सप्लाई वोल्टेज को 30% घटा दिया तो बोले मैक्सिमम टॉर्क कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा? सौरभ बोला डिक्रीज करेगा। अरे सौरभ आधा आंसर मत दो, ये तो कोई अंधा भी देख के बता देगा कि वोल्टेज घटाएंगे तो ये घटेगा। वोल्टेज घटाएंगे 30% कितने परसेंट घटेगा? नेहा त्रिपाठी जेठी सागर, जेठी का कहना है 60, नेहा का कहना 51, नमन का 51, चिंटू का 51। ये फार्मूला लगाओ Tm1/Tm2 बराबर V1² / V2² वोल्टेज को 30% घटाया गया तो मान लो पहले वोल्टेज कितना था 100, पहले कितना था 100, बाद में 30%, मतलब 30 घटाया किस पे? पर प्रतिशत पे, हर 100 पे 30 घटाया तो 100 था 30 घट गया, बचा कितना 70। इसका स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 बटे 60, 10 दहा में 100, 7 का स्क्वायर 49। तो पहले मैक्सिमम टॉर्क था 100, अब मैक्सिमम टॉर्क कितना है 49, कितना घटा? 100 सा घट के 49 हो गया तो घटा कितना? 51। कितने पे 51 घटा? 100 पे। तो 100 पे ही तो कोई चीज इतनी घटती है बढ़ती है, वही तो परसेंटेज होता है, यानी 51% डिक्रीज, 51% डिक्रीज होगा। ये कौन चिंटू फोन किया जा रहा है? चिंटू को कहता हूं फोन मत किया करो।
बेकाबू हो जाता है चिंटू। अरे नादान है तो माफ करना पड़ता है, नादान चिंटू। वो तब तक फोन करता रहेगा जब तक फोन उठा नहीं लिया जाएगा। चलो एक दिन तो तब हद हो गई, मैं क्लास में था और एक चिंटू का फोन आया। मैंने कहा क्या बात है बेटा, बोलो। कहा सर मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया सर, पैसा मांग रहे, आप थोड़ा सा बात कर लो। मैंने कहा लो चिंटू को नंबर क्या मिल जाता है, चिंटू किसी भी चीज़ के लिए फोन पकड़ा देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पच्चीस मार्च यूपीपीसीएल जेई एग्जाम, क्या डेट आ गई है या हवाबाजी चल रही है? यूपीपीसीएल जेई की एग्जाम डेट आ गई है क्या? यूपीपीसीएल जेई की एग्जाम डेट आ गई, मैं देख रहा हूं बच्चे बोल रहे हैं कि टीजी टू की डेट आ गई है, यूपीपीसीएल जेई की डेट आ गई है, ये सच है? संदीप बोले तब क्या हुआ, तब क्या हुआ? मैंने फोन पे बात की पुलिस वाले से, मैंने कहा मेरा छोटा भाई है छोड़ दो इसको। अच्छा यूपीपीसीएल इलेक्ट्रिकल जेई का डेट नहीं आया है, बाकी एग्जाम का आ गया। आएगा जेई का भी आएगा, फिर जेई का नहीं आया तो बाकी का भी आएगा। सौरभ बोल रहे हैं आ गई है, अजय बोल रहे हैं जी सर यस यस। अच्छा अभी आया नहीं है। मुकेश कुमार, यानी आनी स्टार्ट हो गई है तो आप लोगों की भी आई जाएगी, अगर बाकी चीज़ों की आ गई है तो आप लोगों की भी देर से भी आ जाएगी। कमर कस लो कि अब मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल में हो सकता है, यानी अप्रैल से फिर ज़्यादा डिले होगा नहीं, मैक्सिमम अप्रैल तक। ठीक है वैभव बोल रहे हैं 25 मार्क पक्का, चलो मैं क्लास के बाद देखता हूँ, खैर आज तो क्लास ज़्यादा है, कल देखूंगा आराम से। चलो तो मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर पे, और मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड स्टार्टिंग टॉर्क भी डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर पे। ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल आता है किस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, तो जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है उस स्लिप को Sm को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर टू डैश बटे एक्स टू डैश, रोटर रेजिस्टेंस बटे रोटर रिएक्टेंस। स्लिप जिस पे मैक्सिमम टॉर्क मिलता हो क्या होती है, रोटर रेजिस्टेंस बटे रोटर रिएक्टेंस, ठीक है, या आर टू बटे एक्स टू ऐसे। ठीक है जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, एक फार्मूला और होता है क्या, टी अपॉन टी मैक्स बराबर 2Sm इंटू एस अपॉन Sm स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, जहां टी टॉर्क है स्लिप एस पे और टी मैक्स टॉर्क है Sm पे, दो स्लिप है और दो टॉर्क है, एस स्लिप जो है उस पे टॉर्क है टी और Sm स्लिप जो है उस पे टॉर्क है टी मैक्स। ये क्लास 12 बजे तक चलेगी, 12 बजे तक। स्लिप एस पे टॉर्क है टी और स्लिप एस एम पे टॉर्क है टी मैक्स, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रहेगा, ऐसे दे देगा, मैं दे देता हूं एक न्यूमेरिकल जरा करके बताओ। 2% स्लिप पे जो टॉर्क मिला है वो मिला है मुझे 100 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क अगर मैं 150 140 न्यूटन मीटर पाना चाहूं मान लीजिए, तो मुझे किस स्लिप पे मिलेगा ये बता दो।
निकाल के बताओ मुझे। मेरा सवाल यह है कि मुझे 2% स्लिप पे 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है, तो 140 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क पाना है मुझे, तो किस स्लिप पे मिलेगा? 2% स्लिप पे जो टॉर्क मिला है वो है 100 न्यूटन मीटर, और मैं 140 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क पाना चाहता हूं, तो किस स्लिप पे मिलेगा? मैक्सिमम टॉर्क पाना चाहते हो तो वो जिस स्लिप पे मिलेगा, दैट स्लिप इज एसएम। एसएम की वैल्यू बताओ निकाल के। फोन खन 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 बजे जा रहा है, ये डेट की अफवाह क्या आई या जो भी है, चिंटू बेकाबू है। आखिर बेकाबू हो भी क्यों ना, उसकी उम्मीद जो मैं ठहरा, इसमें कोई जेई का है, कोई TG2 का है, तो कोई ट्रैफिक पुलिस से पक्के द्वारा पकड़े जाने वाला, चालान से बचने वाला होगा। निकालिए इसका आंसर, जवाब जवाब दो इसका। ये स्लिप इतनी थी तो टॉर्क इतना था, मुझे इतना मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, तो बोलो किस स्लिप पे मिलेगा? तो मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पे मिलता है उसको एसएम से व्यक्त करते हैं, वो एसएम निकालना है आपको, वो एसएम निकालना है आपको। निकाल के बताइए। जीरो पॉइंट जीरो टू एट, 2.8, 0.04, तीन लोगों का तीन आंसर, वाह। शीतल का यह 0.04, विष्णु का 0.028, 2.8 आया है दीपक का, लगता है 2.8 ही आएगा, परसेंटेज में गलती कर रहा है चिंटू। लगाओ इस फार्मूले पे, ये टी कोई भी टॉर्क है, दे रखा है 100, ये है मैक्सिमम टॉर्क, कितना पाना है मुझे? 140 पाना मुझे, 140 है। 2 इंटू जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है वो स्लिप पता करनी है एसएम। ये स्लिप कितनी है? ये स्लिप है आपकी 2%, मीन 0.02, वैल्यू के फॉर्म में रखना, एसएम स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, सॉरी एसएम स्क्वायर निकालना, हाँ एस का स्क्वायर मीन 0.02 का स्क्वायर। अब इसमें एक ही तो अननोन है एसएम, अब एसएम की वैल्यू निकालोगे आप, कुछ आएगा एसएम, जितना आएगा उसमें 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, जितना भी आएगा वो वैल्यू में आएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो कितना आया? 2.8। क्या बात है, 2.8%। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, एसएम जो भी आएगा वैल्यू के फॉर्म में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रतिशत में आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये तो एक फॉर्मूला था, टी अपॉन टी मैक्स बराबर 2 SM अपॉन SM स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अगर मैं यहां स्टार्टिंग टॉर्क लिख दूं टी की जगह पे, टी स्टार्टिंग अपॉन टी मैक्स, तो क्या हो जाएगा? तो अगर स्टार्टिंग टॉर्क लिख दोगे तो ये टॉर्क जिस स्लिप पे मिल रहा था स्लिप क्या थी? एस। तो अगर स्टार्टिंग टॉर्क लिख दोगे तो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए स्लिप क्या होगी? स्टार्टिंग के वक्त स्लिप कितनी होती है? स्टार्टिंग के वक्त NR0, NR0 तो स्लिप 1, स्लिप 1 तो यहां 1 1 रखो, तो 2 SM अपान SM स्क्वायर प्लस 1। एस को 1 रखो, एस को 1 रखो, 1 रखा यहां 1 रखा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। हमने क्या किया, टी की जगह पे टी स्टार्टिंग कर लिया, तो स्टार्टिंग में NR0 स्लिप वन होती, इस एस को 1 रख दिया, यहां यहां 1, एक फॉर्मूला तैयार हो गया। सौरभ सिंह बोले चिंटू कौन है? तुम हो चिंटू, चिंटू तुम हो। जितनी व्याकुलता चिंटू को जानने में है उतनी व्याकुलता सिलेबस कवर करने में होती, तो आज चिंटू सब कुछ कवर करके बैठा होता। चलिए
चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगर हम टॉर्क स्पीड या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इधर है हमारी स्पीड एन आर, ऐसे इधर है हमारी स्पीड और स्लिप दोनों एक ही एक्सिस पे हैं, और इधर होता है हमारा टॉर्क। टॉर्क एन आर बराबर जीरो होता है यहां पे, एन आर बराबर जीरो होगा तो स्लिप क्या होगी, वन, और यहां मान लीजिए एन आर बराबर क्या है, एन एस, तो यहां पे स्लिप क्या है, जीरो। तो अब देखो जरा, इधर से इधर जाओगे तो स्पीड क्या है, बढ़ेगी, जीरो से बढ़ के कितनी होगी, एन एस, और इधर से इधर आओगे तो स्पीड एन एस से घट के जीरो होगी। तो इधर से इधर जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, इधर से इधर जाओगे तो स्पीड घटेगी, क्या इधर से इधर जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, इधर से इधर जाओगे तो स्पीड घटेगी। स्लिप को देखो, यहां स्लिप वन है, यहां स्लिप जीरो है, यहां से यहां जाओगे तो स्लिप क्या होगी, घटेगी वन से जीरो, इधर से इधर आओगे तो स्लिप क्या होगी, जीरो से वन मतलब बढ़ेगी, तो इधर से इधर स्लिप घटेगी, इधर से इधर स्लिप बढ़ेगी, इधर से इधर स्पीड बढ़ेगी, इधर से इधर स्पीड घटेगी, है दोनों एक ही एक्सिस पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एन आर बराबर जीरो पर जो टॉर्क मिलता है, दुनिया उसको स्टार्टिंग टॉर्क के नाम से जानती है। एन आर बराबर जीरो पर जो टॉर्क मिलता है, दुनिया उसको स्टार्टिंग टॉर्क के नाम से जानती है। एन आर बराबर अगर एन एस होगा तो कोई टॉर्क मिलेगा मोटर में? अरे अगर इंडक्शन मोटर को मैं सिंक्रोनस स्पीड से घुमा दूं तो क्या कोई टॉर्क मिलेगा? इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड। अगर एन आर एन एस के बराबर हो गया, रोटर के घूमने की स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के बराबर हो गई, तो रोटर से पास होने वाला फ्लक्स बदलेगा नहीं, रोटर में कोई ईएमएफ नहीं आएगा, तो कोई करंट नहीं आएगी, तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो अगर एन आर बराबर एन एस है तो यहां पर टॉर्क क्या होगा, जीरो। एन आर बराबर जीरो तो कुछ टॉर्क मिलेगा, दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क। एन आर बराबर एन एस है, रोटर घूम ही नहीं सकती एन आर बराबर एन एस पे, अगर घूम गई गलती से टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि रोटर से पास होने वाला फ्लक्स बदलेगा ही नहीं। तो यहां पे टॉर्क कुछ मिलेगा, यहां पे टॉर्क जीरो। ग्राफ आप बनाओगे कुछ ऐसा होगा, ग्राफ लाइक दिस, ऐसा। अरे बोलो कैसा? ऐसा। ठीक है, बात पल्ले पड़ रही या नहीं? यह है मैक्सिमम टॉर्क, इधर टॉर्क है, यह जो वैल्यू है वह है मैक्सिमम टॉर्क की, टी मैक्स। और मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पे मिल रहा है वो स्लिप क्या है, एस एम। ठीक है, इस रीजन में टी और एस के बीच में क्या ग्राफ है, टॉर्क का स्लिप के साथ क्या रिलेशन है, बताएंगे आप इस रीजन में। इस रीजन को बोलते हैं हाई स्लिप रीजन, यहां स्लिप वन है तो इस रीजन को बोलेंगे हाई स्लिप रीजन, ये हाई स्लिप रीजन है, हाई स्लिप रीजन। यहां स्लिप क्या है, जीरो, तो स्लिप इस रीजन में कम है, स्लिप कम है इस रीजन में, लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन, ये लो स्लिप रीजन, ये हाई स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन में टॉर्क और स्लिप के बीच में क्या ग्राफ होता है, क्या ग्राफ होता है? जी हां, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। और इधर 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 से इधर लो स्लिप रीजन में क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। इधर तो यहां से यहां तक टॉर्क समानुपाती होता है स्लिप के, यहां से यहां तक टॉर्क भी समानुपाती होता है स्लिप के, मतलब यहां से यहां तक स्लिप बढ़ेगी तो घटेगा, ये घटेगी तो बढ़ेगा। देखो स्लिप क्या हो रही है, यहां से यहां वन है, आगे जा रही तो घट रही है, स्लिप तो घट रही है मगर टॉर्क तो बढ़ रहा है, स्लिप तो घट रही है मगर टॉर्क तो बढ़ रहा है। इस रीजन में देखो यहां स्लिप क्या है, जीरो, इधर आओगे स्लिप क्या होगी, बढ़ेगी, स्लिप बढ़ रही है, इधर आओगे तो इधर देखो टॉर्क भी बढ़ रहा है, स्लिप भी बढ़ रही है तो टॉर्क भी बढ़ रहा है, टी समानुपाती एस, टी व्युत्क्रमानुपाती एस। तो लो स्लिप रीजन में टॉर्क और स्लिप के बीच में जो ग्राफ होता है वो इनवर्स रिलेशन वाला होता है, और हाई स्लिप रीजन, लो हाई स्लिप रीजन में, हाई स्लिप रीजन में टॉर्क और स्लिप के बीच में जो ग्राफ होता है इनवर्स रिलेशनशिप वाला होता है, और लो स्लिप रीजन में, लो स्लिप रीजन में टॉर्क और स्लिप के बीच में जो ग्राफ होता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी
अच्छा मैं अगर एक सवाल आपसे ये पूछूं, अच्छा स्टेबल रीजन कौन है इसमें, स्टेबल रीजन कौन है, ये या ये, स्टेबल कौन है, इसको स्टेबल रीजन बोलेंगे, इसको स्टेबल रीजन बोलेंगे, बोलो लेफ्ट या राइट, लेफ्ट वाला स्टेबल या राइट वाला स्टेबल, स्टेबल कौन है, स्टेबल कौन है, लो स्लिप रीजन में स्टेबल ग्राफ होगा या हाई स्लिप रीजन में। सर स्टेबल का मतलब क्या है, पढ़ाया था आपको बहुत तसल्ली के साथ कि जब मोटर किसी स्पीड पे घूमती है और घूमते घूमते उसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाए, उसकी स्पीड चेंज हो जाए, तो क्या स्पीड चेंज होने के कुछ समय के बाद मोटर दोबारा अपनी पहली स्पीड को पकड़ पाता है, अगर हाँ तो मोटर स्टेबल है, नहीं पकड़ पाता है तो मोटर स्टेबल नहीं है। जितना जल्दी पकड़ेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ जी, राइट साइड वाला जो है वो क्या है, स्टेबल। राइट साइड वाला रीजन क्या है, दिस रीजन इज स्टेबल एंड दिस रीजन इज अनस्टेबल। ठीक है, दिस इज अनस्टेबल, दिस इज स्टेबल। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्पीड बढ़ेगी तो बोलो टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी स्पीड अगर बढ़ेगी तो बोलो स्लिप पे क्या फर्क पड़ेगा। वो तो पता है आपको, अगर ठीक है, एज ये सवाल है कि एज स्लिप इंक्रीजेस देन टॉर्क, तो टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सवाल आया। अगर स्लिप बढ़ेगी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा या घटेगा। अगर धर्मेंद्र बोले क्रॉलिंग छूट रहा है, अरे क्रॉलिंग ही नहीं अभी बहुत कुछ छूट रहा है, धीरे धीरे सब आएगा, रात के दोपहर के 12 बजे तक क्लास है। एज स्लिप इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस विद टॉर्क, टॉर्क बढ़ेगा कि घटेगा। अब चिंटू इस दुविधा में है, सर स्लिप बढ़ रही है तो टॉर्क, सर इधर तो स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क घटेगा, यहां स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क बढ़ेगा, सर मैं कौन सा मानू, सर उसको देना चाहिए कि हाई स्लिप रीजन में पूछ रहा है कि लो स्लिप रीजन में पूछ रहा है, उसने बस पूछ दिया स्लिप इंक्रीजेज तो टॉर्क, तो मैं कौन सा बताऊं, इसमें बताऊं किसमें बताऊं, या अपना माथा फोड़ लूं, सर माथा फोड़ लूं क्या करूं। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर उसने नहीं मेंशन किया हाई स्लिप रीजन या लो स्लिप रीजन, तो मोटर में जो स्टेबल रीजन है उसकी बात करो। मोटर में स्टेबल रीजन जो है, क्योंकि मोटर उसी रीजन में नॉर्मली ऑपरेट करती है, मोटर सॉरी मोटर जो होती है आपकी नॉर्मली स्टेबल रीजन में ही ऑपरेट करती है। तो अगर मोटर स्टेबल रीजन में ऑपरेट कर रही है, ये अनस्टेबल रीजन है और ये स्टेबल रीजन है, अगर कुछ नहीं दे रखा है कि स्टेबल या अनस्टेबल या लो स्लिप रीजन या हाई स्लिप रीजन, तो आप नॉर्मली स्टेबल रीजन के बारे में बताओगे, क्योंकि ज्यादातर समय मोटर ऑपरेट उसी हिस्से में करेगी जहां स्टेबल रीजन है। बोलो तो स्टेबल रीजन कौन है, सर ये है, तो यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क बढ़ेगा, स्लिप घटेगी तो टॉर्क घटेगा, ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, ये घटेगी तो घटेगा, तो बता देना आप, एज स्लिप इंक्रीजेज टॉर्क इंक्रीजेज, और अगर मेंशन कर रखा है कि लो स्लिप रीजन या हाई स्लिप रीजन में क्या होगा, तब तो बता ही दोगे आप। दूसरा आपने ये भी देखा था कि अगर रोटर रेजिस्टेंस को मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग टॉर्क तो बढ़ेगा, ऐसे स्टार्टिंग टॉर्क कितना था इतना हो गया, मगर मैक्सिमम टॉर्क उतना ही रहेगा, मैक्सिमम टॉर्क जितना पहले था, और बढ़ाओगे रोटर रेजिस्टेंस तो स्टार्टिंग टॉर्क और बढ़ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क उतना ही रहेगा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता जा रहा है मगर मैक्सिमम टॉर्क उतना ही उसी लाइन पे लगभग। तो जैसे जैसे रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे आप, आपका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा मगर मैक्सिमम टॉर्क अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, अपरिवर्तित। बात आ रही समझ में या नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जरा क्रॉलिंग की और कॉगिंग की, ये दोनों चीजों की चर्चा करते हैं, क्या होती है क्रॉलिंग और क्या होती है कॉगिंग। अच्छा एक चीज और आती है वो भी बता दे रहा हूं मैं, इसमें
चिंटू कह रहे सर मान लीजिए आपको पेपर बनाने का मौका मिले हम लोगों का, तो आपको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। आप इतनी देर दिन पढ़ा से पढ़ा रहे हो तो हम लोगों की स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता है। आप जब आप सवाल पूछते हो तो उसका जवाब हम दे पाते हैं नहीं, उससे आप जज कर लेते हो कि हमें क्या अच्छे से आता है क्या नहीं आता है। तो मान लीजिए सर आपको पेपर बनाने का मौका मिले तो आप कैसा सवाल सर दोगे जो हमको आता है या नहीं आता है? तो मैं तो ऐसे ही सवाल डालूंगा चिंटू जो तुमको नहीं आता है। क्यों सर? ऐसा सवाल डालना जो आता हो। आता होगा अगर तो फिर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। आप 70% 65% क्वेश्चन सही करके सोचोगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, हो सकता है उससे ज़्यादा कट ऑफ चली जाए। तो बेहतर है कि पेपर थोड़ा टफ ही रहे, कट ऑफ ज़्यादा ना जाए। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहला ये भी क्वेश्चन आता है कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ जिसमें होने वाला पावर लॉस आउटपुट पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो रेजिस्टेंस है आपका आर टू डैश वन बाई एस माइनस वन। आर टू डैश वन बाई एस माइनस वन ये वो रेजिस्टर है जिसमें होने वाला पावर लॉस आउटपुट पावर को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग की। मैग्नेटिक लॉकिंग जिसको दुनिया एक और नाम से जानती है, किस नाम से? जैसे आप उसको कितने नाम से बुलाते हो? क्रॉलिंग, सॉरी क्रॉलिंग नहीं, कॉगिंग। सर क्या क्या लिख देते हो आप भी सर, कॉगिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग या इसको हम कॉगिंग बोलते हैं। ये क्या होती है? जब कभी भी स्टेटर में जो स्लॉट की संख्या होती है वो रोटर में स्लॉट की संख्या के बराबर हो जाए तो ये समस्या आती है। स्टेटर में स्लॉट की संख्या रोटर में स्लॉट की संख्या के बराबर हो जाए ये, या स्टेटर में स्लॉट की संख्या रोटर में जो स्लॉट की संख्या उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो, मीन्स पूर्ण गुणांक। स्टेटर में स्लॉट की संख्या रोटर में जो स्लॉट की संख्या उसका पूर्ण गुणांक हो, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, +1 +2 +3 +4, 3.5 नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। यानी अगर S2 की वैल्यू मान लीजिए 5 है तो S1 की वैल्यू या तो 5 हो, या तो S1 की वैल्यू 10 हो, या तो 15 हो, या तो 20 हो, कुछ इस तरीके से कि S1 जो है इसका पूर्ण गुणांक हो या दोनों बराबर हो। अगर कभी ऐसा सामंजस्य बैठता है कि S1 और S2 बराबर हो, या S1 S2 का पूर्ण गुणांक हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो क्या होता है, स्टेटर और रोटर दोनों लॉक हो जाते हैं, दोनों लॉक हो जाते हैं और रोटर घूम नहीं पाती है, रोटर घूम नहीं पाती है। स्विच ऑन करता है चिंटू की रोटर घूमेगी, स्विच ऑन करता है कि चिंटू की रोटर घूमेगी, मगर रोटर घूम नहीं पाती है, लॉक हो जाती है स्टेटर के साथ, और इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। तो मैग्नेटिक लॉकिंग की समस्या में क्या होता है, आप स्विच ऑन करते हो, सोचते हो कि मोटर घूमेगी मगर मोटर घूमती ही नहीं है। ऐसी समस्या कब आती है? जब स्टेटर और रोटर में स्लॉट की संख्या बराबर हो, या स्टेटर के स्लॉट रोटर के स्लॉट के इंटीग्रल मल्टीपल हो, पूर्ण गुणांक। ऐसी समस्या ज्यादातर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में आती है, क्योंकि वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, भाई रोटर को घुमाने वाला टॉर्क कम होता है स्क्वायरल केज में, इसलिए ज्यादातर ऐसी समस्या वहां पर आती है। अब सवाल आता है कि मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करने के लिए क्या करेंगे? मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करने के लिए हम रोटर की जो बार होती है, रॉड, उसको तिरछा कर देते हैं। यानी जैसे अगर ये रोटर की बार है तो उसको बिल्कुल सीधा सीधा नहीं बनाते हैं, ऐसे सीधा सीधा नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं। जब भी आपको मैग्नेटिक लॉकिंग मैंने पढ़ाई होगी वहां बताया होगा कि हाउ बाई स्क्विंग द रोटर बार यू कैन मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉकिंग। अभी मैं बस डायग्राम बना दे रहा हूं, आप तिरछा करके बनाते हो ऐसे, इससे क्या होता है मैग्नेटिक लॉकिंग की समस्या थोड़ा कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। ये तो थी मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग। दूसरी समस्या है क्रॉलिंग की। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना। जैसे आपकी पढ़ाई आजकल रेंग ही तो रही है कि दौड़ रही है? अरे पढ़ाई क्या चल रही है इस वक्त? चिंटू कर सर हमारी तो हमेशा रेंगती ही रहती है। क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना। ये जो समस्या होती है इसमें क्या होता है, इसमें मोटर की स्पीड काफी कम हो जाती है। कभी कभी आप देखोगे कि मोटर को रन करना चाहिए लगभग NS पे। एक्चुअली इंडक्शन मोटर किस स्पीड पर रन करती है? NS से थोड़ी सी कम स्पीड पे, NS से थोड़ी सी कम स्पीड पर रन करती है। मगर कभी 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 क्या होगा, मोटर के घूमने की स्पीड NS/7 हो जाती है। इतनी कम सर कैसे? हमने तो पढ़ा कि NR NS से थोड़ी सी कम होती है। अगर NS
मान लीजिए 1500 आरपीएम है तो एनआर 1450 1460 होना चाहिए या तो एनएस बाई 7। हाँ जी, अगर कभी मोटर के घूमने की स्पीड काफी कम हो जाती है लगभग एनएस बाई 7, तो इसको हम बोलते हैं मोटर बहुत धीरे धीरे चल रही है, इसको बोलते हैं मोटर का रेगना, क्रॉलिंग मतलब रेगना, इसे ही बोलते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग किस वजह से आती है? क्रॉलिंग आती है स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से, टाइम हार्मोनिक्स की वजह से नहीं आती है। किसकी वजह से आती है? स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से, टाइम हार्मोनिक्स की वजह से नहीं आती है। दूसरा, क्रॉलिंग एम ए स्पीड घट जाती है, स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से आती है। इसी में आप दो तीन चीजें पढ़ते हो, एक होती है थर्ड हार्मोनिक्स। थर्ड हार्मोनिक्स की वजह से कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती है, कोई टॉर्क डेवलप नहीं होता है, एक होती है फिफ्थ हार्मोनिक्स। फिफ्थ हार्मोनिक्स की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, जी हाँ, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होती है? एनएस बाई 5। इसकी वजह से टॉर्क भी डेवलप होता है, क्या होता है? टॉर्क भी पैदा होता है इसकी वजह से। उसके बाद आती है सेवेंथ हार्मोनिक्स। सेवेंथ हार्मोनिक्स की वजह से भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, पैदा होती है, और इसकी स्पीड होती है एनएस बाई 7, और इसकी वजह से टॉर्क भी पैदा होता है। यानी फिफ्थ की वजह से टॉर्क आएगा, सेवेंथ की वजह से टॉर्क आएगा, क्योंकि फिफ्थ और सेवेंथ की वजह से आरएमएफ आएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिफ्थ की जो आरएमएफ आई वो एनएस बाई 5 से घूमेगी, सेवेंथ की जो आरएमएफ आई एनएस बाई 5 से घूमेगी फिफ्थ की आरएमएफ, और एनएस बाई 7 से घूमेगी सेवेंथ की आरएमएफ। थर्ड हार्मोनिक्स की वजह से ना तो कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ना तो कोई टॉर्क आएगा। अब सवाल यह है, फिफ्थ हार्मोनिक्स की वजह से जो टॉर्क आया वो फंडामेंटल टॉर्क को सपोर्ट करता है या अपोज करता है? फिफ्थ हार्मोनिक्स की वजह से जो टॉर्क आता है वो टॉर्क फंडामेंटल टॉर्क जो है उसके विरोध में होता है या सपोर्ट में होता है? लोग बोल रहे हैं हार्मोनिक्स क्या होती है, हार्मोनिक्स की चर्चा किसी दिन करेंगे, एक दो लाइन वाली हार्मोनिक्स नहीं है, अभी के लिए बस इतना जान लो हार्मोनिक्स अनवांटेड होती है, हम नहीं चाहते हार्मोनिक्स हो। हार्मोनिक्स अगर नहीं है तो वे फॉर्म प्योर साइनोसॉइडल होती है, हार्मोनिक्स है तो वे फॉर्म डिस्टॉर्टेड होती है। हार्मोनिक्स का कारण होता है नॉन लीनियर लोड, आज फिफ्थ हार्मोनिक्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो फंडामेंटल के क्या होगा? अपोजिट। सेवेंथ हार्मोनिक्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्या होगा? फंडामेंटल की डायरेक्शन में। सो द टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेवेंथ हार्मोनिक्स इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ फंडामेंटल, टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फिफ्थ हार्मोनिक्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फंडामेंटल, देयर इज नो टॉर्क, नो आरएमएफ ड्यू टू थर्ड हार्मोनिक्स। ठीक है, तो इस पर ऐसे सवाल अगर आएगा कि थ्री फेज फोर पोल 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर है, व्हाट इज स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेवेंथ हार्मोनिक्स? सेवेंथ हार्मोनिक्स की वजह से स्पीड क्या होगी आरएमएफ की? स्पीड ऑफ आरएमएफ ड्यू टू सेवेंथ हार्मोनिक्स निकाल के बताओ सब लोग इसका। सेवेंथ की वजह से स्पीड क्या होगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की? सातवें की वजह से, हाँ बताओ, अभिमान सिंह ने आंसर दिया है, वेद प्रकाश ने भी दिया है, सिराज अख्तर ने भी दिया है, क्या बात, जरूरी नहीं हो कि हर बार जीते वही जो सबसे ताकतवर होता है, बल्कि देर सवेर जीतता वही है जिसके अंदर विश्वास होता है कि वो जीतेगा। बोलो इसका आंसर। सेवेंथ हार्मोनिक्स की वजह से स्पीड निकालनी है तो एनएस बाई 7 होगी, और एनएस कैसे निकालोगे? 120 एफ बाई पी से निकाल दो, 120 गुणे 50 बटे नंबर ऑफ पोल 4, 4 3 12, 30 गुणे 50 1500 एनएस आ गया, तो एनएस बाई 7 मतलब 1500 बटे 7 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि
थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें स्टार्टर का क्या मकसद है, कौन कौन से स्टार्टर यूज होते हैं और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अगर हम स्टार्टर की बात करें तो एक होता है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग और एक होता है फुल वोल्टेज स्टार्टिंग। स्टार्टर का मतलब होता है जो स्टार्टिंग करंट है उसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि अगर करंट शुरू में बहुत ज़्यादा आ जाती है और आती है, शुरुआत की जो करंट है रेटेड करंट का 4-5 गुना हो जाती है, शुरुआत में जो करंट है रेटेड करंट का 4-5 गुना हो जाती है तो ज़्यादा करंट से ज़्यादा स्क्वायर लॉस होगा, लॉस से हीट, हीट मतलब शुरू में वाइंडिंग डैमेज हो सकती है ज़्यादा हीट से, ठीक है। तो स्टार्टर का मतलब होता है स्टार्टिंग करंट को कम करना। अब स्टार्टिंग करंट को तो हम कम करते हैं किसी तरीके से जुगाड़ लगा करके, मगर इस बात का हम ध्यान रखते हैं, इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि करंट तो कम हो मगर टॉर्क ज्यादा कम ना हो, ठीक है। अब करंट तो कम हो टॉर्क ज्यादा कम ना हो, थोड़ा बहुत तो कम हो चलेगा, ज्यादा कम टॉर्क ना हो जाए। अब करंट को कम करने का क्या तरीका है, वोल्टेज को कम कर दो, सप्लाई वोल्टेज जो आ रहा है उसको कम कर दोगे तो आने वाली करंट आपकी कम हो जाएगी। देखो तो हम बात करते हैं, एक होता है रिड्यूस्ड फुल वोल्टेज स्टार्टिंग। फुल वोल्टेज स्टार्टर में पूरा का पूरा सप्लाई का जो वोल्टेज आता है वो दे दिया जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग कहां तक यूज करते हैं, 5 हॉर्स पावर तक की मोटर के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, 5 हॉर्स पावर तक की मोटर के लिए। फिर होता है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, जिसमें सप्लाई वोल्टेज जो आता है वो पूरा का पूरा नहीं दिया जाता है, सप्लाई जो से वोल्टेज जो आता है वो पूरा का पूरा स्टेटर वाइंडिंग को नहीं दिया जाता बल्कि कम करके दिया जाता है। रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग का एग्जांपल है आपका जैसे रजिस्टर स्टार्टिंग या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये सब टाइप्स हैं। रजिस्टर स्टार्टिंग में क्या है, अगर आपने वोल्टेज को कम किया कुछ, मान लीजिए एक्स टाइम्स कम किया वोल्टेज को, तो करंट भी एक्स टाइम्स कम होगी और टॉर्क एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। यानी अगर वोल्टेज को आपने आधा किया तो करंट आधी हो जाएगी, टॉर्क 1/4 हो जाएगा। वोल्टेज को आपने 1/3 किया अगर तो करंट 1/3 हो जाएगी, टॉर्क 1/9 हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में क्या है, उसमें भी अगर आपने वोल्टेज को एक्स टाइम्स कम किया या एक्स टाइम्स कम कर दिया तो करंट भी एक्स टाइम्स कम होगी और टॉर्क भी एक्स स्क्वायर टाइम्स कम होगा, बट एक्स जो है वो टैपिंग है। एक्स क्या है, टैपिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर में टैपिंग को चेंज करके काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले टैपिंग 5% थी, बाद में टैपिंग 2% हो गई या कुछ हो गई, तो फिर टॉर्क में कैसे फर्क पड़ेगा वो आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आता है कई बार कि पहले टैपिंग 20% थी, आप टैपिंग 5% हो गई, तो टैपिंग एक्स है एक तरीके से, टॉर्क पहले दिया रहेगा बाद में निकालना रहेगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, ये उस टाइप की मोटर के लिए यूज होती है जो डेल्टा कनेक्टेड होती है और डेल्टा में रन करती है। इट इज यूज फॉर डेल्टा कनेक्टेड मोटर। जो मोटर डेल्टा कनेक्टेड होती है और डेल्टा में रन करती है उसी के लिए यूज किया जाता है, डेल्टा कनेक्टेड मोटर के लिए। बस करते क्या है, शुरुआत में इसकी वाइंडिंग को हम स्टार में जोड़ देते हैं स्विच की मदद से, शुरुआत में इसकी वाइंडिंग को हम स्टार में जोड़ देते हैं स्विच की मदद से और फिर कुछ समय के बाद डेल्टा में रन करती है। तो स्टार्ट एज ए स्टार होती है, ये स्टार्ट एज ए स्टार होती है मगर रन एज ए डेल्टा करती है। क्या, स्टार्ट एज ए स्टार होती है मगर रन एज ए डेल्टा करती है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। शुरुआत में स्टार में होती है बाद में डेल्टा में कनेक्ट हो जाती है। इसमें आपका वोल्टेज कितना कम होता है, 1/√3 टाइम्स, करंट कितनी कम होती है, 1/3 टाइम्स, और टॉर्क कितना कम होता है, 1/3 टाइम्स। रिमेंबर दिस, यहां दोनों जगह रूट थ्री नहीं है, यहां 1/√3, यहां केवल 1/3 है। बात आ रही है यहां तक समझ में, या नहीं आ रही है यहां तक की कहानी में, कोई डाउट? ये आपका स्टार्टर का इंट्रोडक्शन हो गया।
अब बात करते हैं सर्किल डायग्राम की। सर्किल डायग्राम से क्या-क्या पता कर सकते हैं? सर्किल डायग्राम से क्या-क्या पता कर सकते हैं? सर्किल डायग्राम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में होता है, इससे क्या-क्या पता कर सकते हैं? तो बोलेंगे आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं, क्या नहीं कर सकते वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल, सर्किल डायग्राम का जो डायमीटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बताएंगे आप? सर्किल डायग्राम का जो डायमीटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टेल मी, डायमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो अजय कुमार बोल रहे हैं स्किन इफेक्ट। ओ कोई याद कर रहा है, हिस्की आ रही है, कौन है वो? वो कौन है जो मेरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है? डायमीटर, डायमीटर रिप्रेजेंट्स व्हाट? सर्किल डायग्राम का जो डायमीटर है वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी, पावर, करंट, वोल्टेज, क्या? अमित कुमार यादव बोल रहे हैं स्टेटर करंट। वेद प्रकाश बोल रहे हैं हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, जो पढ़ाते हैं आप सब कुछ समझ में आता है क्या? ऋषिकेश बोल रहे हैं मैं हूं। ऋषिकेश आप मुझे क्यों याद कर रहे हो? आपकी उम्र जो है मुझे नहीं किसी और को याद करने की है। मुझे तो आप रोज देखते ही हो। देखिए इसका जो डायमीटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है रोटर करंट को। सर्किल डायग्राम का जो डायमीटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? रोटर करंट को। इससे हम क्या-क्या पता कर सकते हैं? आउटपुट पावर पता कर सकते हैं, जी हाँ। टॉर्क पता कर सकते हैं, जी हाँ। स्पीड पता कर सकते हैं, जी हाँ। लॉस पता कर सकते हैं, जी हाँ। इफिशियंसी पता कर सकते हैं, जी हाँ। सब कुछ पता ही तो कर सकते हैं, तो क्या पता नहीं कर सकते? फ्रीक्वेंसी ये नहीं पता कर सकते, बाकी पता कर सकते हैं। तो जो नहीं पता कर सकते वो इंपॉर्टेंट है। सर्किल डायग्राम से क्या पता नहीं कर सकते? सो योर आंसर इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डायमीटर सर्किल डायग्राम का क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रोटर करंट को। अगला सवाल आता है कि जो एयर गैप होता है इंडक्शन मोटर में वो लगभग कितना होता है? तो जो एयर गैप होता है लगभग वो 0.4 मिलीमीटर से लेकर के 4 मिलीमीटर के आसपास होता है। 0.4 मिलीमीटर से लेकर के 4 मिलीमीटर के आसपास होता है। अगला सवाल ये है कि अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है रनिंग कंडीशन में है और इसी दौरान उसकी सप्लाई में एक फेज को हमने हटा दिया, तो अब बोलो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर के साथ क्या होगा? इसको बोलते हैं सिंगल फेजिंग। क्यों? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अगर मोटर घूम रही है और आपने सप्लाई के एक फेज को ओपन कर दिया, तो मोटर सप्लाई से बहुत ज्यादा करंट लेगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक फेज तो हट चुका है। अब उन्हीं दो बचे हुए हेल्दी फेज को ही बाकी तीसरे फेज की करंट की भरपाई करनी होगी, तो बाकी दो फेज ज्यादा करंट लेंगे और ज्यादा करंट से ज्यादा स्क्वायर लॉस हो सकता है, ज्यादा लॉस से ज्यादा हीट आके ज्यादा हीट से ज्यादा बर्न हो सकती है मोटर। यानी अगर आपने एक फेज को हटा दिया, एक फेज खराब हो गया, एक फेज का फ्यूज हो खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो बाकी दोनों जो हेल्दी फेज हैं वो ज्यादा करंट लेंगे और ज्यादा करंट से इसके बर्न होने की संभावना है। इट मे बर्न ड्यू टू एक्सेसिव करंट।
अगला सवाल है कि नो लोड पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो लो होता है, नो लोड पे। ठीक है, अगर हम नो लोड की बात करें तो नो लोड पे इसका जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है? लो। लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है पावर फैक्टर के साथ क्या होता है? जैसे जैसे लोड बढ़ता है पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। नो लोड पे पावर फैक्टर पुअर होता है, बट एज द लोड इंक्रीजेस पावर फैक्टर इंक्रीजेस। नॉर्मली इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.8 लैग नॉर्मली, ठीक है, फुल लोड के आसपास पे। फुल लोड पे नॉर्मली 0.8 या 0.85 लैग के आसपास होता है फुल लोड पे, और इसी इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है 0.2 लैग के आसपास एट नो लोड। तो अगर मैं नो लोड की बात करूं तो नो लोड पे जो पावर फैक्टर होता है वो 0.2 होता है, लैग करता है, कम होता है, फुल लोड पे ज्यादा होता है, होता तो लैग है। इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग नेचर का होता है, लीडिंग नहीं हो सकता, यूनिटी भी नहीं हो सकता, जबकि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर तीनों प्रकार से हो सकता है, लैगिंग, लीडिंग या यूनिटी, तीनों। सवाल आता है कि अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप को बढ़ा दिया जाए तो बोलो पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप को बढ़ा दिया जाए तो बोलो पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा स्टेटर और रोटर के बीच में पावर फैक्टर? स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप को बढ़ा दिया गया तो पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। अरे पावर फैक्टर, जैसे जैसे एयर गैप बढ़ेगा पावर फैक्टर घटेगा, जैसे जैसे एयर गैप बढ़ेगा पावर फैक्टर घटेगा। ठीक है, तो याद रहेगा ये या नहीं याद रहेगा? अगर हम एयर गैप की लेंथ बढ़ाएं तो मैक्सिमम टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, बताएंगे आप लोग? मैक्सिमम टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा? मैक्सिमम टॉर्क पे सवाल यह है मेरा कि जैसे जैसे एयर गैप बढ़ रहा है स्टेटर सर, अरे चिंटू ये रोटर है और ये स्टेटर है, बीच में एयर गैप है, हवा है तो एयर गैप, एयर गैप मतलब वायु अंतराल, उसका रिलक्टेंस ज्यादा होता है, तो ये गैप अगर मैं बढ़ाता जाऊं तो क्या होगा? अगर एयर गैप की लंबाई बढ़ाओगे तो मैक्सिमम टॉर्क हो चाहे स्टार्टिंग टॉर्क हो, दोनों टॉर्क घटेगा। मैक्सिमम टॉर्क हो चाहे स्टार्टिंग टॉर्क हो, दोनों टॉर्क घटेगा, डिक्रीज डिक्रीज होगा। एयर गैप को बढ़ाओगे ना तो लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा, लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स घटेगा, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स घटेगा तो फिर आपका टॉर्क घट जाएगा। देखो टी मैक्स का फॉर्मूला ऐसे आपने पढ़ा होगा, 3 अपॉन ओमेगा s इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2x2 डैश ऐसे करके, ये रिएक्टेंस है। आप यहां से देखो टी मैक्स व्युत्क्रमानुपाती है रिएक्टेंस के, रिएक्टेंस मतलब लीकेज रिएक्टेंस है, एक तरीके से लीकेज रिएक्टेंस। अगर एयर गैप की लेंथ बढ़ाओगे तो लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा, लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा तो लीकेज रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, और लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेगा तो मैक्सिमम टॉर्क घटेगा। देखो फ्लक्स बढ़ेगा तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, एल बराबर क्या होता है n φ/I। तो फ्लक्स बढ़ेगा तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, और रिएक्टेंस होता है ओमेगा n2L, एल बढ़ेगा तो एक्स भी बढ़ेगा।
तो लीकेज फ्लक्स बढ़ा तो लीकेज इंडक्टेंस बढ़ा, इंडक्टेंस बढ़ा तो रिएक्टेंस बढ़ा, रिएक्टेंस बढ़ा टॉर्क घटा। अब सवाल आता है कि अगर एक इंडक्शन मशीन है उसकी स्लिप नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? स्लिप नेगेटिव सर कैसे हो सकती है? 0 से 1 के बीच में पढ़ा है हमने, होती है, किताबों में भी ये लिखा हुआ है। सर आप कौन सी किताब से पढ़ते हो सर जहाँ स्लिप नेगेटिव है? हो सकता है कुछ स्पेशल केज एस केस ऐसा है जहाँ पे स्लिप नेगेटिव भी हो सकती है और जहाँ पे स्लिप 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब आप बताइए मुझे वो केस स्लिप नेगेटिव कब होगी, स्लिप नेगेटिव कब होगी? अरे कब होगी चिंटू? ये है एनआर यानी स्पीड और ये है आपका टॉर्क। यहां से यहां तक का जो मोड है, यहां से यहां तक का ये मोटरिंग मोड है। इस मोड में इंडक्शन मोटर मोटर की तरह काम करती है। एनआर एनएस से कम होता है और स्लिप जो है 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है, जो कि आप पढ़ते हो क्योंकि बार बार आप मोटर पढ़ते हो। तो एनआर एनएस से कम होगा और स्लिप 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है, ये इस स्लिप की रेंज है। एनआर ऐसे होता है। लेकिन अगर मैं इस रेंज की बात करूं, इधर स्पीड बढ़ते 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 बढ़ते, यहाँ एन आर बराबर एन एस है, यहाँ एन आर बराबर एन एस है, अगर स्पीड एन आर बराबर एन एस से आगे बढ़ा दी, पहुंचा दिया आपने, तो स्लिप क्या हो जाएगी? स्लिप क्या होती है? एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। अगर एन आर बढ़ा दिया एन एस से भी, एन आर एन एस से ज्यादा, ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम, स्लिप निगेटिव। इधर जो है आप जाओगे तो इस रीजन में, इसको बोलते हैं जेनरेटिंग मोड। क्या बोलते हैं? जेनरेटिंग मोड। यहां पे एनआर ज्यादा होता है किससे? एनएस से। एनआर एनएस से क्या होता है? ज्यादा। और स्लिप क्या होती है? स्लिप होती है नेगेटिव। तो सवाल आता है कौन से मोड में? जेनरेटिंग मोड में, मीन्स एज इंडक्शन जनरेटर जब भी काम करता है तो स्लिप नेगेटिव होती है और एनआर एनएस से ज्यादा होता है। और इधर इधर अगर आप देखोगे तो यहां पे स्पीड क्या, एनआर क्या है? नेगेटिव। एनआर नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, एन ए प्लस हो जाएगा फिर, तो स्लिप क्या होगी? 1 से ज्यादा। तो इस रीजन की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग मोड, ब्रेकिंग 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 मोड इसको बोलते हैं। इस रीजन में एनआर जो होता है आपका वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और स्लिप जो होती है आपकी वो 1 से ज्यादा होती है। तो स्लिप 1 से ज्यादा आप रख के देख लो कि जितना एनएस से कुछ रख लो, एनआर को नेगेटिव में रख लो, ये माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्लिप 1 से ज्यादा हो जाएगी, एनआर नेगेटिव हो जाएगा। एनआर नेगेटिव मतलब एनएस मान लीजिए अगर इधर है तो एनएस की उल्टी दिशा में एनआर है, कुछ इस तरीके से। तो स्लिप 1 से ज्यादा कहाँ होती है? ब्रेकिंग मोड में। स्लिप नेगेटिव कहाँ होती है? जनरेटिंग मोड में। स्लिप 0 और 1 के बीच में कहाँ होती है? मोटरिंग मोड में। एनआर नेगेटिव कहाँ होता है? ब्रेकिंग मोड में। एनआर एनएस से ज्यादा कहाँ होता है? जनरेटिंग मोड में। एनआर लेस देन एनएस होता है कहाँ? मोटरिंग मोड में। तो ये जो कहानी बताई गई है याद हो गई आप लोगों को? जितनी कहानी बताई है इतनी कहानी याद हुई या नहीं बताओ जरा, कमेंट करके सभी लोग बताइए। तो जितने पॉइंट्स आपको बताए गए हैं सारे पॉइंट्स याद हो गए? याद हो गए तो बोलो हाँ, नहीं याद हुए तो बोलो ना, याद हुए तो बोलो ना, नहीं याद हुआ तो बोलो ना।
सचिन बोल रहे हैं। हाँ, तो आप क्या चाहते हो, यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम कब हो? अपने दिल की ख्वाहिश बताओ। आप क्या चाहते हो, यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम कब हो? मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, कब? व्हाट यू वांट? हरीश का कहना है शॉर्ट नोट्स ही बन गए। बहुत बढ़िया हरीश, आज रात को 10 से 12, रात को 9 से 11, रात को आज 9 से 11 एक मैराथन सेशन लूंगा मैं, इसी तरीके से कुछ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो पॉइंट्स हैं वो कवर करूंगा मैं आज ही रात के 9 बजे 9 से 11। ये जो आज की क्लास है, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको इंडक्शन मोटर ने नहीं पढ़ी हो, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, तो उसको नहीं समझ में आया होगा, तो उसके लिए क्लास थी भी नहीं। ये क्लास नॉर्मली उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने इंडक्शन मोटर वगैरह पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, और जब थियरी एक एक करके बेसिक से पढ़ेंगे तो आएगा समझ में। अच्छा चलो, दो सवाल और बाकी है, कोई पूछ रहा है मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे जैसे मोटर पे लोड बढ़ता है, स्टेटर के पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ता है? स्टेटर पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ता है? एज द लोड इंक्रीजेज, द इफेक्ट ऑन स्टेटर पावर फैक्टर इज व्हाट? सिद्धार्थ का कहना है सीआर का मैराथन प्लीज प्लीज सर। अरे अभी कुछ दिन पहले ही लिया था थायरेस्टर पे मैराथन, वो वीडियो देखो, सर्च करो थायरेस्टर मैराथन भाई राजकुमार सर, यूट्यूब पे सर्च करो, मिलेगा। अभी एक हफ्ते भी नहीं हुआ है लिए हुए। वेद प्रकाश बोल रहे हैं सिंक्रोनस मशीन पर भी एक मैराथन होना चाहिए। ठीक है, आईएस कोड पी डिमांड आ रही। हाँ, अगला टारगेट वही है, मार्च फर्स्ट वीक में। अजय कुमार 3 घंटे लेते हैं, अजय 3 घंटे। देखो, अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का लोड बढ़ाया जाएगा तो स्टेटर का जो पावर फैक्टर है वो बढ़ेगा, स्टेटर का पावर फैक्टर बढ़ेगा। और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड बनता है कि अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ाया जाएगा तो रोटर के पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? रोटर का पावर फैक्टर, सचिन बोल रहे हैं सर सिंगल फेज मोटर कवर करा दीजिए। सचिन कैथवार, सिंगल फेज मोटर में एक एक मोटर को बिल्कुल सलीके से मैंने कवर कराया है, एक एक मोटर को, उतने डिटेल से शायद ही आपको कहीं मिले सिंगल फेज मोटर। बट उसके लिए क्या करना होगा, आपको सर्च करना होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बाई राजकुमार सर, या मशीन की जो प्लेलिस्ट है उस पे जाइए अनअकैडमी SSCJEE पे, और उस प्लेलिस्ट में देखिए सिंगल फेज मोटर की कम से कम 10 वीडियो उसमें मैंने डाली है यूट्यूब पे पढ़ा के, अनअकैडमी SSCJEE चैनल पर ही। तो वीडियो देखो, आप कुछ टाइम निकालो और उस वीडियो को देखो। जैसे जैसे लोड बढ़ता है रोटर का पावर फैक्टर घटता है, लेकिन स्टेटर का पावर फैक्टर बढ़ता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है रोटर का पावर फैक्टर घटता है, मगर स्टेटर का पावर फैक्टर बढ़ता है। बात आई समझ में?
क्योंकि जब लोड बढ़ाते हो तो स्पीड घटती है, स्पीड घटती है तो स्लिप बढ़ती है, और स्लिप बढ़ती है तो वहां से फार्मूला जो पावर फैक्टर का है रोटर का, वो निकाल लगाओगे तो निकल जाएगा। विशाल कुमार बोल रहे हैं क्लास का टाइम, कौन सी क्लास? कल हमने क्लास ली थी ए टू डी कन्वर्टर और लॉजिक फैमिली की, आपने देखा? कल मैंने क्लास ली थी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और लॉजिक फैमिली, जिसमें मैंने टीटीएल, डीटीएल, डीसीटीएल और जितने भी ए टू डी कन्वर्टर में फ्लैश टाइप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप, डुअल स्लोप टाइप, फलाना फलाना टाइप, सबकी चर्चा की थी, जो बिल्कुल कैप्सूल वाले पॉइंट हैं जो एग्जाम में आते हैं, टाइम पास नहीं, केवल कैप्सूल। क्या कल आपने देखा वो वीडियो? नहीं सर, कल तो हम कुछ और काम कर रहे थे। कल की वीडियो आपने देखी है? पीएलसी और स्काडा का बोल रहे हैं लोग, माइक्रो कंट्रोलर भी बोल रहा है चिंटू। खुशी का कहना हमने देखा था लाइव, यस। कल की जो क्लास हुई थी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की, वो हुई थी वाईफाई स्टडी पे, वाईफाई स्टडी चैनल जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन चैनल है, उस चैनल पे मैंने क्लास ली थी। मगर उस चैनल पे जाता हूँ तो उतना प्यार नहीं मिलता है जितना प्यार इस चैनल पे आप लोग देते हो। वो चैनल है तो बड़ा मगर प्यार यहाँ मिलता है, छोटा चैनल है मगर यहाँ ज़्यादा प्यार मिलता है। मगर उस चैनल पे क्लास हुई थी कल ए टू डी कन्वर्टर और लॉजिक फैमिली के जो क्वेश्चन आते हैं, और जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे 20 मिनट में पढ़ना है सर ए टू डी और लॉजिक फैमिली दोनों, तो फिर वो क्लास आपके लिए ही है। पिछले एक हफ्ते में जो जो टॉपिक मैराथन में मैंने कवर किया है मैं बता देता हूँ। एक दिन चर्चा की थी मैंने वाट मीटर की, एक दिन चर्चा मैंने की थी मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर की, एक दिन मैंने चर्चा की थी सिंगल फेज मोटर की, एक दिन मैंने चर्चा की थी चोपर की। ऐसे टॉपिक थोड़े थोड़े कवर कराए थे जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा था। और आज चर्चा हुई थी किसकी? आज चर्चा हुई है इंडक्शन मोटर की। नेहा त्रिपाठी का अगर नहीं देखा सर, लेकिन देख लेंगे, उसको देख लेना। अगर आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो चाहे यूपीपीसीएल जेई का एग्ज़ाम हो, उन दोनों क्लास के लिए आप उसको देख लेना। ज़्यादा डिटेल में है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज से दो पेज में सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर लोगे आप। सिराज अख्तर, जल्दी ही वीडियो आएगी 1 मार्च को, 1 मार्च मतलब कल। मोहित बोल रहे हैं स्ट्रेटजी बताइए सर यूपीपीसीएल जेई की। अब जो गिने चुने दिन बचे हुए हैं आपको क्या करना है, जो आपकी तैयारी अच्छी है, जो टॉपिक अच्छे से तैयार हैं, उनके क्वेश्चन लगाते रहो और देखो उसमें गलती ना होने पाए। और जो टॉपिक थोड़े बहुत कम तैयार हैं और लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, उनको थोड़ा थोड़ा तैयार कर लो। और जो आपका क्वेश्चन पूछने का एरिया है, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं आता यूपीपीसीएल जेई में, तो बहुत डेप्थ में मत जाना किसी न्यूमेरिकल में घुस के आधे घंटे सॉल्व कर रहे हो कैलकुलेटर से। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कुछ लेंदी आ सकते हैं, ज्यादातर छोटे ही होते हैं, तो उसी प्रकार से तैयारी करो आप। लेकिन सारे सब्जेक्ट को पढ़ो, कि लाप्लास पूछ दिया साइन टी का तो चिंटू का डब्बा गोल है, बोल दिया कि इसमें सबसे फास्टेस्ट कौन है या नंबर ऑफ कंपरेटर कितना लगता है फ्लैश टाइप में, तो चिंटू का डब्बा गोल है। बोल दिया इनकोडर कैसा एग्जांपल है मल्टीपल कॉम्बिनेशनल का, सिक्वेंशियल का, तो चिंटू का डब्बा गोल है। बोल दिया ओपन लूप और क्लोज लूप में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो चिंटू का डब्बा गोल है। बोल दिया बायोलॉजिकल सिस्टम ओपन लूप का एग्जाम्पल है क्लोज लूप का, तो चिंटू का डब्बा गोल है। तो ऐसे सवाल अगर आएंगे तो कर ले जाओगे। बेसिक पूरा पता होना ही चाहिए आपको, बिना उसके काम आगे नहीं बढ़ेगा। चिंटू पूछ रहा सैलरी किसमें अधिक मिलता है सर? अरे भूख
बेगर्स कांट बी चूजर्स, कहावत सुने हो कि नहीं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स? अरे मतलब बताओ इसका हिंदी में, बाकी लोग भी समझें। कि अगर आप कहीं भीख मांगने जाते हो और सामने वाला कुछ दे रहा है तो आप उसमें फरमाइश मत करना। मान लीजिए आप गरीब हो, कहीं से कपड़े मांगने गए तो कह रहा ये कपड़े ले लो, ये कपड़े ले लो, नहीं 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 वो ब्लू वाली शर्ट जो आपने वहां से खरीदी थी जो है वो मुझे दे दो, वो जूता एडिडास वाला जो है वो रख दे दो, फटा वाला क्यों दे रहे हो? तो फिर ऐसा कर पाओगे क्या? बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो अभी जो आपकी हालत है, अभी कोई भी नौकरी मिल जाए, चाहे एसएससी जेई की, चाहे यूपीपीसीएल जेई की, कुछ भी मिल जाए, पकड़ लो, पकड़ लो। अभी आपकी जो दशा है, एक नौकरी मिल जाए उसके बाद फिर दूसरी नौकरी जब ज्वाइन करनी हो फिर सोचना पहले से सैलरी कम है या ज़्यादा है। अभी कुछ भी जो अंदर हो अंदर कर लो, सोचना अंदर करने के बाद। सचिन का गाना, हम तो फकीर हैं झोला लेकर के चल देंगे। अरे झोला लेकर के जाओ लेकिन उसमें नौकरी भर के तो मत लेके जाओ। सचिन का गाना, हम तो फकीर हैं झोला लेकर के चल देंगे। झोला लेकर के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, लेकिन उसमें नौकरी मत लेके जाओ। रोशनी का कहना, भिखारियों को थोड़ा भीख मिलना। आज आज रात में जो सेशन है 9 बजे, उसमें यूडब्ल्यू की चर्चा करेंगे। आज हमारे पास रौनक भी हैं। रौनक इतने दिनों तक कहाँ थे भाई? रौनक इतने दिनों तक कहाँ थे? रौनक बोल रहे हैं, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब पढ़ाने का काम आज के लिए इतना ही है, जो पढ़ाना था पढ़ा दिया गया, जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया गया। रौनक बोल रहे सर एनटीपीसी की तैयारी कर रहा था। बताओ रौनक जैसा धुरंधर और शानदार बच्चा भी नौकरियों की कमी के कारण दो दो चार चार एग्ज़ाम, कोई टेक्निकल कोई नॉन टेक्निकल, इसकी तैयारी में लगा रहता है कि कहीं न कहीं से नौकरी मिल जाए। प्रभाकर का कहना, सर जी मेरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा दो, 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भिजवा दो, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र का इंतजाम करते हैं। प्रभाकर सर क्या करोगे 5 लाख रुपए? अरे एक स्मार्ट स्टूडियो बनवाएंगे, अभी देखो व्हाइट बोर्ड पे लिखना पड़ता है सारी चीज़ें, तो एक बढ़िया सा स्टूडियो बनवाएंगे ताकि बस बटन दबाना होगा, क्वेश्चन अपने आप आ जाया करेगा और बटन दबाते ही मिट जाया करेगा, कुछ भी नहीं लिखना रहेगा, सब कुछ।
दीपक कुमार। यूपीपीसीएल का एग्जाम, ये मान लो आप लोग कि आपके पास अब 25-20 दिन से लेकर के 1 महीने तक का टाइम है, तो इस टाइम में जो भी कमियां हैं उसको दूर करो, टेस्ट सीरीज दे करके जो कमियां हैं उसको दूर करो, जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं है कि उसको इतना ताकतवर बना लो कि सर इसमें तो कोई टक्कर ही नहीं दे पाएगा, आप भी फेल हो जाओगे। भाई आपको विद्वान बनना है क्या, प्रोफेसर बनना है किसी टॉपिक का, या एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप क्या करिए, हर टॉपिक को एक ठीक ठाक लेवल तक पहुंचाइए, फिर दूसरे टॉपिक को तैयार करिए। तो अगर आपका हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट बेसिक क्लियर है तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एसएससी जेई में, ना कि 4 सब्जेक्ट तैयार है और बहुत अच्छे से तैयार है, इससे फिर काम नहीं होगा। क्योंकि तो किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है यूपीपीसीएल जेई में, हो सकता है जो आप छोड़ के जाओ वहीं से ज्यादा आ जाए। तो सारे सब्जेक्ट बेसिक तैयार करके जाओ आप, ठीक है। हाँ, कोर सब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन तो आता ही आता है। दिनेश बोल रहे हैं इतने दिन में गर्दा कर देंगे। प्रेम शंकर भी हमारे साथ हैं, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे द एंड करते हैं, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बोलो, क्लास एंड करने के पहले मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई राजस्थान जेई की, एसएससी जेई की, यूपीपीसीएल जेई की, डीएमआरसी जेई की, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके वहां पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एसएससी कैटेगरी में। उसी एसएससी में यूपीपीसीएल जेई का भी बैच चलता है, सारे बैचेस चलते हैं टेक्निकल के और नॉन टेक्निकल के। और सब्सक्रिप्शन लेने के दौरान आपको RK11 कोड का यूज करना है। इस कोड को यूज करके जैसे आप अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और आप मेरी मेंटरशिप में तैयारी स्टार्ट करोगे। तो अगर आप मेरे साथ मेरी गाइडेंस में स्टार्ट करना चाहते हैं, यूज दिस कोड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। उसके अलावा अगर आप बैच वगैरह से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड या और भी कोई इशू है मुझे पूछना चाहते हैं तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। करना क्या है आपको, एसएससी कैटेगरी में जाके आपको सर्च करना है राजकुमार सिंह 730, ठीक है। तो मेरी प्रोफाइल खुल के आएगी, राजकुमार सिंह 730 सर्च करोगे आप तो वहाँ जाके आप मैसेज का एक ऑप्शन आता है, मैसेज कर सकते हो, मुझे आप फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। और कुछ कहना है तो बताइए। प्रभाकर का कहना है सर जी 2 लाख ले लो लेकिन ट्रांसफर करवा दो प्लीज। प्रभाकर लगता है बहुत ज्यादा परेशान है। तो चलिए आज की कहानी को फिर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। शाम को मिलेंगे फिर, शाम को 9 बजे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। स्टार्ट हो चुकी है मोनू वर्मा, स्टार्ट हो चुकी है। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, लड़ते झगड़ते रहिए लेकिन मुस्कुराते रहिए। एग्जाम की टेंशन को हंसी हंसी टालते भी रहिए, पढ़ते रहिए लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तनाव से पढ़ाई नहीं होती है। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।